श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव। गए थे माता लक्ष्मी के पास में। देव ऋषि नारद ने माता लक्ष्मी जी से कह दिया था, मैया बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने का है क्या? बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने का है आपके पास में? मैया ने अंदर से जाकर मोतीचूर का लड्डू ला कर दे दिया। नारद जी ने जो मोतीचूर का लड्डू खाया तो नारद जी ने कह दिया, मैया लड्डू तो अनसुईया जी के घर के थे, क्या जोरदार लड्डू बनाती है मैया, तुझे तो लड्डू बनाना भी नहीं आता लक्ष्मी मैया। अब तो लक्ष्मी जी को क्रोध आ गया। इतनी देर में नारद जी पहुंच गए पार्वती जी के यहाँ। पार्वती जी के यहाँ पहुंचते से कमैया भूख लग रही है, भूख बहुत तेज है। पार्वती जी अंदर गई, उन्होंने आकड़िया की रोटी काकड़िया की साग नारद जी को दे दी। नारद जी भोजन करते से बोले, मैया रोटी तो अनसुईया जी के घर की थी, क्या रोटी बनाती है, क्या रोटी। अब पार्वती जी का हृदय जल गया। थोड़ी देर बाद नारद जी ब्रह्मा जी के पहुंच गए। ब्रह्माणी बैठी थी, ब्रह्माणी से कहा, मैया बहुत तेज भूख लग रही है। ब्रह्माणी अंदर गई, खीर बनाकर ला कर दे दी। नारद जी बोले, मैया खीर तो अनसुईया जी के घर की थी, क्या जोरदार खीर थी। अब तो तीनों देवियां इकट्ठी हो गई। मोहल्ले की तीन माताएं अगर एक जगह पर मिल जाए तो समझ लेना कि किसी ना किसी की बुराई चालू है, किसी ना किसी की निंदा चालू है। अगर ये तीनों एक जगह पर मिल गई है ना, तो जरूर किसी ना किसी की निंदा चल रही है, किसी ना किसी की बुराई चल रही है, पक्का। इकट्ठी हो गई तीनों देवियों ने आपस में विचार करा कि अपन तो परेशान हो गए नारद जी के कारण। अनसुईया 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 अनसुईया, ऐसा क्या अनसुईया में? अपने अपने पतियों को परीक्षा लेने भेज दो। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों परीक्षा लेने के लिए चले, और जैसे ही ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने के लिए चले, परीक्षा लेने के लिए जैसे ही चल दिए, इतने में तीनों दरवाजे पर पहुंचकर भिक्षा मांग रहे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। अनसुईया जी बाहर निकल कर आई, और माता अनसुईया जब बाहर निकल कर आई और माता अनसुईया जी ने जो दर्शन किया, दर्शन करते से ही माता अनसुईया जी ने पूछा, आप देवताओं आपको क्या चाहिए? तो के भिक्षा चाहिए। अनसुईया जी अंदर गई, पात्र में थोड़ी सी भिक्षा लेकर आई, अन्न का दान देने लगी। इतने देर में जब अन्न का दान देने लगी, तब उसी समय पर अनसुईया जी जब अन्न का दान दे रही थी, तब तीनों देवताओं ने खड़े होकर कह दिया, हमको भिक्षा ऐसे नहीं चाहिए। हमको ऐसी भिक्षा नहीं चाहिए। हमको ये भिक्षा नहीं, तो तुमको कैसी भिक्षा चाहिए? ब्रह्मा विष्णु महेश ने कहा, क्योंकि इनको देवियों ने कहा था कि जब भिक्षा मांगने जाना तो अनसुईया जी से कहना कि वस्त्र उतार कर भिक्षा देने के लिए। वस्त्र अब तीनों देवताओं ने कहा, मां भिक्षा तो चाहिए, मां भिक्षा तो चाहिए, पर वस्त्र उतार कर आए। वस्त्र अनसुईया जी बोली कि देवताओं, आप कह रहे हो कि अंदर का स्पीकर बड़ा हो, अंदर आप कह रही हो कि भिक्षा चाहिए और भिक्षा चाहिए, और वो भी वस्त्र उतार कर चाहिए। अनसुईया जी ने कहा, बाबा ऐसी कोई भिक्षा कोई नारी कभी नहीं दे सकती, ये भिक्षा कभी कोई नारी नहीं देगी। नारी अपने वस्त्र उतार कर कैसे भिक्षा देने आई? तीनों ने, जो ऋषि का रूप रखकर आए थे, साधु का रूप रखकर आए थे, उन तीनों ने कहा, मां भिक्षा तो हम ऐसे ही लेते हैं, अगर दोगी तो लेंगे, वरना भूखे रह जाएंगे, और अगर हम भूखे रह गए तो उसका दोष तुम्हें लगेगा,
अनसुईया जी अंदर गई। नारद जी ने जो तीनों देवियों को अग्नि उत्पन्न करी थी वो अग्नि आप काम कर गई। अनसुईया जी अंदर जाकर जल लाई, अगर मेरा सातित्व पक्का है, मैंने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये तीनों की तीनों बच्चे हो जाए। जो जल छोड़ा तीनों की तीनों देवता डेढ़ डेढ़ महीने के छोड़ा हो। अनसुईया जी ने विश्वकर्मा जी का ध्यान तीनों देवताओं को उसमें विराजमान कर दिया। और तीनों देवता उसमें विराजमान हो गए। चंदन के पलने में रेशम की डोरी डालकर माता अनसुईया तीनों को झुला रही थी, इतने में अंतरऋषि का आगमन हो गया। अंतरऋषि ने पूछ लिया अनसुईया जी से कि ये किनके बच्चे हैं। अनसुईया जी तुरंत अंतरऋषि से कहती हैं ये अपने बच्चे हैं। अंतरऋषि ने कहा अभी मैं स्नान करने गया था तब तो एक भी नहीं था और आया तो तीन तीन। अनसुईया जी बोली भगवान जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। और माता अनसुईया ने डाल दिया पालना, बन करके झूल रहे तीन देवना। झूल अब नारद जी का काम देखिए। दुनिया के लोग कहते नारद निंदा करते हैं, दुनिया के लोग कहते नारद चुगली करते हैं। अगर नारद नहीं होते तो चंद्र प्रकट नहीं होते, अगर नारद नहीं होते तो दुर्वासा प्रकट नहीं होते, अगर नारद नहीं होते तो दत्तात्रेय भगवान प्रकट नहीं होते, अगर नारद नहीं होते। नारद जी चले लक्ष्मी जी के पास में पहुंचे। मैया आज बड़ी बेचैन दिख रही हो। लक्ष्मी जी बोली क्या बताएं, हुआ क्या? अपने पति को भेजा था अनसुईया जी की परीक्षा लेने के लिए पर पते नहीं है उनके, आज बहुत दिन हो गए दिखे नहीं मेरे। नारद जी बोले वो तो पलने में झूल रहे हैं। लक्ष्मी जी बोली फालतू की बात मत कर, मेरा इतना बड़ा पति कोई पलने में झूलेगा? चल जाए से जा। नारद जी वहां से चले तो पार्वती जी के यहाँ पहुंच गए। पार्वती जी बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत टेंशन था माता पार्वती जी। भगवान देवऋषि नारद ने पूछा माँ आप बहुत चिंता में दिख रही हो। नारद जी बोले तो पार्वती जी बोली बहुत चिंता है, मेरी सहेलियों के कहने पर मैंने मेरे पति को परीक्षा लेने भेजा था तो अभी तक पते नहीं है और मेरे पति को तो कोई पकड़ भी नहीं सकता, कोई उनका किडनैप भी नहीं कर सकता क्योंकि उनके गले में बब्बा पड़ा है। किसके बाप में दम है कि मेरे पति को पकड़ ले? दम मैया पलने में झूल रहे हैं। सरस्वती मैया से भी कह दिया पलने में झूल रहे हैं। तीनों देवियों ने नारद जी के चरण पकड़ लिए। नारद रुक जा तो ये बता कि हम हमारे पति को कैसे लेकर आए। नारद जी ने कहा जैसे तुम्हारे पति मांगने गए थे वैसे तुम भी चली जा। तीनों ने ब्राह्मण की पत्नी का रूप लिया, दरवाजे पर अनसुईया जी के पहुंच गई। अनसुईया जी के दरवाजे पर जाकर तीनों देवियों ने आवाज लगाई माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। बार बार आवाज लगाई जाए, बार बार आवाज लगाई जा रही है माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे, माता भिक्षाम दे। बार बार आवाज और जैसे ही आवाज लगाई पार्वती मैया निकल अनसुईया मैया निकल कर बाहर आई।
जो अनसुईया मैया निकल कर बाहर आती, इतने में अंतरिक्ष ने आवाज लगाई, अनसुईया कहाँ जा रही हो? अनसुईया रुक गई, दरवाजा बंद है, तीनों देवियां बाहर। लक्ष्मी ने पार्वती से कहा, पार्वती जरा देखो तो अंदर अपने पति हैं भी कि नहीं है। पार्वती जी ने सरस्वती से कहा, तुम अंदर झांक कर देखो पति अंदर है कि नहीं है। सरस्वती मैया दरवाजे में एक छोटी सी सरंग थी, पतली सी सरंग, उस सरंग में से सरस्वती अंदर झांक कर देख रही थी। इतने में पीछे से देवऋषि नारद जी आकर बोले, मैया तुम दूसरे के घर में झांकी हो ना, आज से पृथ्वी पर जितनी माता है ना, इनकी भी आदत बदल जाएगी। ये जब भी कपड़ा सुखाने ऊपर जाएगी तो पड़ोसी की छत जरूर ढक के आएगी। ए मैया, होली पे दिवाली पे अपने यहाँ पर पपड़िया बनी कि नहीं बनी, गुजिया बना कि नहीं बना, मठरी बनी कि नहीं बनी, चकली बनी कि नहीं बनी, अपने घर पर अचार डला कि नहीं डला, अपने घर पर कुछ काम हुआ कि नहीं हुआ, इनको कोई मतलब नहीं रहेगा, पड़ोसी क्या जरूर देखेगी तूने क्या बनाया उससे जरूर। दिवाली पर अपने यहाँ रंगोली डली कि नहीं डली से मतलब नहीं है, पर पड़ोसी क्या रंगोली जरूर देखेगी उसने कौन सी बनाई, क्योंकि माँ आप झांकी हो, आप झांकी हो, इसलिए ये गुण आ जाएगा। जब सुना, थोड़ी देर बाद माता अनसुईया जी ने दरवाजा खोला, जैसे दरवाजा खोला आंतरी ऋषि बोले, बेटे इतने इतने से बहु सासा था। इतने में तुरंत अनसुईया जी ने तीनों से कहा, तुम्हारे ससुर जी हैं, पांव पड़ो जल्दी से। तीनों देवियों ने अंतरिषि के चरण छुए, अंतरिषि ने अनसुईया जी का हाथ पकड़ा और एक कोने में ले जाकर पूछा, अनसुईया पागल हो गई है, बेटे इतने इतने से और बहू ये साथ साथ हाथ की, तुझमें अकल वकल नहीं है क्या बिल्कुल भी, इतने से बच्चे की कोई शादी करते हैं जो इतनी बड़ी बड़ी बहुएं लेकर आ गई। इतने में अनसुईया जी बोली अपने पति से, स्वामी आजकल की बहुएं कमाता हुआ पति मिल जाता है लेकर के अलग हो जाती हैं, हमने कैसे पाल पोस कर बड़ा करा हम जानती हैं, अब बड़ा करेगी तब मालूम पड़ेगा, ले जा। अब तीनों देवियां तीनों देवताओं को देखकर टेंशन में आ गई। लक्ष्मी जी बोली, मेरा कौन सा है? पार्वती जी बोली, मेरा कौन सा है? सरस्वती जी की मेरा कौन सा है? तीनों एक एक बच्चे को उठाती है, घुमा घुमा के देखती है। बाबा हर माल दो रुपया, जिसका जो अंश है उठा लो। अब उठाएं किसको? लक्ष्मी जी सबसे पहले बोली कि देखो, सबसे पहले मैं विद्वान भी हूं और चतुर भी हूं और मैं अपने पति को छांट सकता हूं। जो ज्यादा विद्वान होता है, जो ज्यादा चतुर होता है, सब्जी के ठेले पे वही सड़ी हुई भिंडी लेके आता है। काना बैंगन जो ज्यादा समझदारी दिखाता है ना वही लाता, वही छाट छाट के अलग अलग रखती जाएगी रखती जाएगी रखती जाएगी। सब्जी वाला इससे ज्यादा चतुर होता है, उसने कर रख ले तू अलग छाट छाट के रख। इसने जैसी अलग छाट के रखा, थैली में भरा, भरने के बाद थैली इधर बाजू में रख दी और जो सड़ा हुआ था उसकी थैली उसके हाथ में टिका दी। लक्ष्मी जी बोली सबसे पहले मैं छाटूंगी। लक्ष्मी जी ने अपने पति को छाटा, जो छाटने बैठी लक्ष्मी जी तो भगवान ब्रह्मा जी को उन्होंने अपनी गोदी में उठा लिया और ब्रह्मा जी को गोदी में उठाकर बोली ये मेरे पति हैं। उनको जो हाथ में लिया इतनी देर में तो अनसुईया जी को हंसी आ गई, अनसुईया जी को हंसी आई, उन्होंने कहा रुको इन तीनों को वापिस सुलाओ। जमीन पर सुलाया, अनसुईया जी ने हाथ में जल लिया, अगर मेरा पति
पतिव्रता धर्म प्रबल है, मेरा सातित्व पक्का है, तो मैं जल छोड़ती हूँ, ये तीनों के तीनों बड़े हो जाएं। तीनों बड़े हुए, उन्हीं के अंश अवतार चंद्र, दुर्वासा और दत्तात्रेय भगवान प्रकट। दुनिया के लोग कहते हैं कि देवऋषि नारद चुगली करते हैं, देवऋषि नारद निंदा करते हैं, देवऋषि नारद बुराई करते हैं। नहीं, देवऋषि नारद देवता को प्रकट करने के लिए, भक्ति को प्रकट करने का कार्य करते हैं, और वो देवऋषि नारद ने किया। इसीलिए महाराज नारायण श्रीमन नारायण 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 भोले अपने दर से अब तो ना डालो गिना पत्र। और बड़ा अच्छा है, शहर चरखी दादरी, जिला दादरी हरियाणा। शंभु बोलो श्री शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते। पहले से आराम है ना? शहर चरखी दादरी, जिला दादरी हरियाणा। नाम ओमपति, फोन नंबर मेरा ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हूँ। आप ही ने लिखा है, एक बार हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। शहर चरखी दादरी, जिला दादरी हरियाणा। ओमपति, फोन नंबर ये है। मेरे भाई के लिए गुरुदेव मैं वर्णन करना चाहती हूँ। शिव बाबा का क्या वर्णन करूं, मेरे भाई को 2023 से कैंसर हो गया है। उसका इलाज जिंदल हॉस्पिटल हिसार में चल रहा है। नाक में कैंसर हुआ, नाक का ऑपरेशन करवाया, फिर गले में कैंसर हो गया, गले में कैंसर हुआ। 2 साल से मैं आपकी कथा सुन रही हूं। मैंने मेरे भाई से कहा कि अगर डबल डबल से कैंसर हो रहा है तो तू सीहोर जा, रुद्राक्ष ला, और उस रुद्राक्ष को पानी में गलाकर शिवजी को चढ़ाकर पीना प्रारंभ कर। मैं मेरे भाई की तरफ से यहाँ पर दंडवत करने के लिए, प्रणाम करने के लिए आई हूँ, कथा सुनने के लिए आई हूँ। हम लोग रुद्राक्ष लेने के लिए सीहोर चले गए और वहां से रुद्राक्ष लेकर आए। जब रुद्राक्ष लेकर आए, भाई की एक रिपोर्ट, एक ऑपरेशन और डॉक्टर ने बोल दिया था वो कराना था, जो कि 12 मार्च 2024 को वो ऑपरेशन होना था। हमने बाबा से प्रार्थना करी, अगर बाबा आप संभाल लोगे
तो मैं कथा सुनने के लिए पंडाल में जाऊंगी। मेरे भाई की जब दोस्त एक बार हाथ हिला दो बहन, बधाई आ, इसके लिए एक बेलपत्र ले जा, आजा आजा, एक बेलपत्र इसके लिए ले जा। शिव है वो, ओ घड़ी और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाँह पसारे, अपने हृदय से लगा लो लगा लो, गिरा जा रहा बोले अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा उठालो। एक शिव भक्ति को जगाइए, एक लोटा जल सारी समस्या का हल है। जिस दिन विश्वास से, भरोसे से, दृढ़ता से आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने लगोगे, भरोसा रखकर जिस दिन बेलपत्र को खाने लगोगे, जिस दिन बेलपत्र को खाने लगोगे, भरोसा रखकर जिस दिन भगवान शंकर की भक्ति में तुम डूबने लगोगे, उस दिन तुम्हारी जिंदगी की सारी बीमारी, सारा दुख, सारी तकलीफ मेरे काल अधिपति महाकाल राजा की, तुम्हारे जीवन का सारा दुख वो काल अधिपति महाकाल मेरे कुबेर भंडारी, मेरे कुबेरेश्वर महादेव का। एक निवेदन हम जरूर करेंगे, कभी मौका लगे, कभी मौका लगे इस पंडाल में बोल कर जाना बाबा से कि बाबा मुझे ऐसा धन देना कि एक बार मैं भी कुबेरेश्वर धाम सीहोर आ सकूं और तेरे धाम में आकर कथा सुन सकूं, कंकर शंकर की पूजन कर सकूं, वहां का रुद्राक्ष ले सकूं, कभी कभी। और जरूरी नहीं है कि वहां का रुद्राक्ष केवल बीमारी के लिए काम आता है, ना, कभी जिंदगी में कुबेरेश्वर धाम जाना और रुद्राक्ष मांग कर लेकर आना। और हम तो कहेंगे, जितने कथा सुनने वाले हैं सारे श्रोताओं से निवेदन करेंगे, लाल धागे में उस रुद्राक्ष को अपने गले में धारण कर कर रखो, जिंदगी में कभी हार नहीं होगी, आगे बढ़ते ही जाओ, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, गले में रुद्राक्ष होना जरूरी है, पहनो। कई लोग कहते हैं हम तुलसी की माला पहनते हैं, रुद्राक्ष पहन सकते, क्यों नहीं, किसने मना करा, कौन से शास्त्र में लिखा है, कौन सी वेद में लिखा है, कौन से पुराण में लिखा है कि तुलसी को पहनने वाले रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, या रुद्राक्ष को पहन भेज सकती है। तो रुद्राक्ष रोग से मुक्त कराकर तुम्हें अपने हॉस्पिटल से घर भेज सकता है, एक रुद्राक्ष। और वो रुद्राक्ष नहीं है, वो मेरा शंभू है, वो मेरा शंकर, मेरा ओ घड़ी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा विनाशी। कई लोग कहते हैं गुरुजी अभी अभी आपके यहां पर रुद्राक्ष उत्सव हुआ, अभी आपके यहां पर 26 तारीख को सुबह 10 बजे महादेव की होली है, आप हमेशा भक्तों को वहां बुलाते रहते हैं। हमारा तो निवेदन है किसी बहाने से आओ, चाहे तुम 26 तारीख को होली खेलने के बहाने आओ, चाहे तुम रुद्राक्ष उत्सव के बहाने आओ, और मेरे बाबा के दरवाजे पर एक बार आकर तो देखो, 3 महीने में झोला खाली नहीं करना पड़ेगा वापिस।
आपके भैया को एक बार आप किसी भी बहाने से पर कुबेर भंडारी के दरवाजे पर आओ। अगस्त बाबा तो काशी में निवास कर रहे हैं, देवऋषि नारद ने लगा दिया विंध्याचल पर्वत ने अपनी आकृति बढ़ाई, सुमेरु से ऊंचा होने के लिए सूर्य नारायण भगवान का रथ रुक गया। दिन ढल रहा था, अंधेरा हो रहा था, उसी समय पर सूर्य के रथ रुक गया। समझ में नहीं आ रहा सूर्य देवता को करूं क्या, वो प्रदोष काल था, वो प्रदोष का समय था, वो प्रदोष की घड़ी थी, वो प्रदोष का पल था, जिस समय पर सूर्य ढल रहा था और रात्रि हो रही थी, दोनों का मिलन होते समय अश्व रुक गए। विंध्य पर्वत ने सूर्य के अश्वों को रोक दिया, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, सूर्य करे क्या। तब सूर्य देवता ने एक बच्चे का रूप रख लिया। ये दुनिया के लोगों को मालूम होना चाहिए कि पहला प्रदोष का उपास व्रत प्रदोष की पूजन किसने करी है, ये आपकी आराधना में आपकी चित्तवृत्ति में आना चाहिए कि प्रदोष के दिन एक चावल का दाना चढ़ाने वाला कभी गरीब नहीं हो सकता, कभी भिखारी नहीं हो सकता, कभी दरिद्र नहीं हो सकता। जब तक मालूम नहीं हो ना तब तक आप भटको, और जिस दिन तुम्हारा विश्वास शिव महापुराण पर हो जाए ना, जिस दिन तुम्हारा विश्वास शंकर जी की कथा पर हो जाए, और इतनी लाखों की संख्या में आप लोग आए हो, लाखों की संख्या में आप लोग आए हो और करोड़ों की संख्या में लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं, करोड़ों की संख्या में देश और विदेश। एक निवेदन करूंगा पूरे जितने चैनल वाले कथा सुन रहे हो और जितने यहां कथा सुन रहे हैं, अगर शंकर की कथा पर विश्वास है ना, बाबा की कथा पर अगर भरोसा है, एक लोटा जल और एक बेलपत्री पर भरोसा है, प्रदोष काल में लगाए गए घी के दिए पर भरोसा है, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाए गए दिए पर भरोसा है, एक चावल के दाने पर अगर भरोसा है ना, तो ये विश्वास के साथ कहता हूं, 6 महीना 8 महीना साल 2 साल में आपके पास में बाबा इतना भंडार भर देगा कि आप विश्व महापुराण के यजमान बनोगे। आप भी ये शिवपुराण का हम सुनील जी को धन्यवाद दे रहे थे कल में कि सुनील जी, और सुनील जी कह रहे थे गुरु जी ऐसे ऐसा आशीर्वाद दे दो कि हर साल 2 साल में कथा करवाते रहे। हमने सुनील जी से कहा, सुनील जी शंकर भगवान की कथा का सबसे बड़ा एक फल है और एक नियम है कि जो इस कथा को करवा लेता है ना वो लाइन लगाकर फिर खड़ा हो जाता है कि एक पंजाब के लिए। अभी कथा कर आए सिरसा तारा बाबा की कुटिया में, वहां कांडा परिवार ने कथा करवाई, उन्होंने फिर आकर कह दिया कथा दीजिए। सुनील जी हम आपको भी कहते हैं, आप तो अभी बोल रहे हो कि कथा दीजिए, पर बाबा की कृपा ये नियम है कथा का, जो एक बार जजमान बन जाता है मेरा बाबा उसको इतना देना चालू करता है, और केवल जजमान से मतलब नहीं है, जो दिल से पंडाल में बैठ कर दिल से सुन ले, 5 दिन की हो 7 दिन की हो, आसन लगाया वहीं पर सो रहा है, वहीं बैठ रहा है, वहीं खा रहा है। दुनिया के संत बाहर तप करते हैं, तुम यहाँ बैठकर शौचालय के लिए भी जाना है ना तो 50 बार विचार करते हो, जाऊंगी ना तो अंदर कैसे आऊंगी, वॉशरूम जाऊंगी तो कैसे आऊंगी, पानी ज्यादा नहीं पीते हो क्योंकि मेरे को वॉशरूम जाना पड़ेगा, ज्यादा खाते नहीं हो कि मुझे शौचालय के लिए जाना पड़ेगा, बार बार तुम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखते हो। जो एक संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक कुंभ के मेले के जो संत पर्वतों पर बैठकर जो संत साधना करते हैं, वो साधना शिव महापुराण के पंडाल में बैठकर मेरी माता और मेरे भाई करते हैं। आप इतना भोजन नहीं करते कि आपको बार बार शौचालय के लिए जाना पड़े, आप इतना पानी नहीं पीते कि आपको बार बार वॉशरूम के लिए जाना पड़े, आप
अपने शरीर को अपनी इंद्रियों को केंद्रित कर कर रखते हो, क्योंकि जाऊंगी ना इतना बाहर निकल कर जाऊंगी तो वापिस आने में टाइम लगेगा, मैं कथा छूट जाएगी, जगह कोई ले जाएगा। अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर रहा, इतना तो कोई साधु नहीं कर सकता, इतना तो कोई संत नहीं कर सकता, इतना तो कोई सन्यासी नहीं कर सकता। संत साधु सन्यासी तपस्वी कई कई वक्ता कथाकार जिनसे एसी के रूम नहीं छूटते, जिनसे फोर व्हीलर गाड़ियां नहीं छूटती, वो भी इतना सन्यासी का जीवन नहीं जी सकते जितना आप जी रहे हो, जितना आप जी रहे हो। एक संत का भाव है, गर्मी लग रही है, टेंट हिल रहा है, हवा चल रही है, टेंट उखड़ रहा है, पाइप गिर रहे हैं, कहीं कुछ प्रॉब्लम चल रही है, और उस बीच में तुम्हारा विश्वास, पांच दिन के लिए रेवाड़ी आई हूँ, मेरे बाबा के भरोसे आई हूँ, मेरा बाबा तेरे दरवाजे पर मैं आई हूँ ना मेरे कुबेर भंडारी, तो मेरे दरवाजे पर तू भी आएगा, ये मेरा विश्वास लेकर आया, ये मेरा विश्वास। और हो भरोसा दृढ़ी दृढ़ी, वो कहते हैं ना, तुझसे मिलने के लिए तेरी कसम, ये मेरे बाबा से मिलने का ये केंद्र बिंदु है शिव पुराण की कथा। ओम मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू तुम्हारे नजदीक में जब कथा हो चले जाना उसकी चौखट पर, पांच दिन सात दिन पड़े हुए उसके दरवाजे पर, तारने वाला हो, और फिर कहेंगे खाली नहीं जाऊं, खाली नहीं, खाली जा ही नहीं सकता, अगर खाली गए होते तो ये इतने सारे पत्रों का ढेर नहीं लगता जो अंदर भरे पड़े। ओ भोला सब दुख काटो, शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कर रहा है। बिंदे ने सूर्य भगवान जब अस्त हो रहे हैं, अंधेरा छा रहा है, प्रकाश कम हो रहा है, तब बिंदे ने अश्व को रोका और सूर्य नारायण बालक का रूप रखकर काशी चले। एक बच्चे का रूप रखकर भगवान, एक बच्चे का रूप रखकर काशी में चले, जहां पर अगस्त ऋषि बैठकर भगवान शंकर की आराधना कर रहे। जिस जगह पर अगस्त ऋषि बैठकर भगवान शंकर की आराधना कर रहे, अगस्त ऋषि ने भगवान शिव का शिवलिंग का निर्माण किया, भगवान शंकर के शिवलिंग का निर्माण अगस्त ऋषि करते हैं, वहीं पर पहुंच जाते हैं सूर्य नारायण भगवान, निवेदन करते हैं, प्रार्थना विनती, आप कृपा करिए। अगस्त बामा ने पूछा, ना तो मैं प्रकाशित हो रहा हूं और ना मैं डूब रहा हूं,
एक प्रदोष का समय, प्रदोष काल में मुझे अटका दिया उस विंध्य ने। आप कृपा करिए, अगस्त ऋषि ने कहा कि तुम एक काम करो सूर्यदेव, तुम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करो, व्रत करो, एक अक्षत, एक बेलपत्र, एक शमी पत्र तुम्हारी उलझन को समाप्त कर दे। मेरी जीजियों, प्रदोष का इंतजार भी मत करा करो कि प्रदोष का दिन आएगा या प्रदोष का दिन आएगा तो हम गला पकड़ रहे बाबा, प्रदोष का दिन आएगा तो हम भगवान शंकर को प्रदोष के समय में, शाम के समय पर हम बेलपत्र, शमी पत्र, चावल समर्पित करेंगे। आप तो प्रयास करा करो, कभी अगर मौका मिल जाए तो प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर एकांतेश्वर शिवलिंग मिल जाए, कहीं एकांत में कोई शंकर भगवान का शिवलिंग मिल जाए, एक बेलपत्र लो, उसके ऊपर एक शमी पत्र रख लो, एक चावल का दाना रख लो, अपने मन की बात बाबा से कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शंकर भगवान की अशोक सुंदर वाली जगह पर स्पर्श कराकर वही शमी पत्र, वही अक्षत का दाना, वही बेलपत्र शंकर भगवान के शिवलिंग पर उसको समर्पित कर दो। समर्पित करते समय ये जो डंडी का मुख है, ये जहां जलाधारी होती है, पानी बहता है, उस ओर डंडी का मुख होना चाहिए, जिधर पानी बह रहा है उधर करो। प्रदोष काल में करी गई आराधना, प्रदोष काल में किया गया भजन, केवल प्रदोष के दिन ही नहीं, प्रदोष काल में कभी भी शंकर को याद करो। वैसे तो शंकर भगवान को याद करने के लिए कोई समय निश्चित नहीं किया गया कि इस समय शिव जी को याद करना। मौत का और महाकाल का आने का समय कभी निश्चित नहीं होता। मौत आने का समय भी निश्चित नहीं होता, कब व्यक्ति की मृत्यु हो जाए, कब प्राण छूट जाए, कब बीपी शुगर कभी गड़बड़ हो जाए, कब किसको कौन सा रोग हो जाए, कब किसको अटैक आ जाए, कोई समय का भरोसा नहीं है। मौत का जैसे समय नहीं होता, उसी तरह महाकाल के भजन का, शंकर भगवान के गुणगान का, शिव जी की भक्ति का कोई समय नहीं है। तुम जब पुकारो, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे सामने खड़ा हुआ। तुम जब बोलबम का नारा है, बाबा है सहाय, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। तुम जब उसको पुकारोगे तब वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा। सूर्य नारायण ने पुकारा, सूर्य नारायण ने पुकारा। अब सूर्य नारायण तो पुकारने में लग गए, बोलने में लग गए। अगस्त ऋषि ने जाकर विंध्य पर्वत से कहा कि तुम अपनी आकृति को छोटा करिए, देवताओं को कष्ट हो रहा है। तब विंध्य पर्वत ने अपनी आकृति छोटी करी, सूर्य देवता भगवान शंकर का साधुवाद करे, शंकर भगवान ने आकर सूर्य नारायण को दर्शन दिए। भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, सुनो भास्कर देव, सूर्यदेव, तुमने मेरी आराधना प्रदोष के समय पर अपने अश्वों को रोक कर मेरी आराधना करी है। भास्कर देव, सूर्यदेव, संसार का कोई मनुष्य प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में जब मुझे पुकारेगा, केवल मेरे नाम का उच्चारण कर कर मुझे पुकारेगा, शंकर भगवान कहते हैं उसी क्षण मैं उसके नजदीक में पहुंच जाऊं। उसी क्षण अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शंकर की आराधना करने वाला है, शिव की उपासना करने वाला है,
शंकर का गुणगान करने वाला है, शिव की स्तुति करने वाला है, उसका बाल बांका नहीं होता। बारह ज्योतिर्लिंग का चरित्र श्रवण कराते हुए तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव।